नमस्कार। अब हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे वो है आईसीटी में जो सिंबल्स यूज होते हैं, वो आईसीटी के कुछ शब्दावलियाँ हैं प्रमुख। तो बेसिक से हम स्टडी करेंगे। तो जैसे आपने देखा हुआ है हर चीज़, काफ़ी चीज़ें आपको पता ही होंगी, लेकिन जैसे कभी कभी ऐसे भी सिंबल्स आ जाते हैं हमें उसकी मीनिंग नहीं पता होती, तो उसके लिए हम देखेंगे कि किस सिंबल का क्या मीनिंग होता है। तो ये प्ले, आप जानते हैं कि कोई वीडियो दिखता है आपको तो ऐसा प्ले का बटन रहता है, तो प्ले का जो सिंबल होता है इस प्रकार से होता है। पास का डबल, ये आप भी इससे भी परिचित होंगे। फिर हम देखेंगे स्किप करना है किसी चीज़ को, जैसे कहते हैं ऐड आता है तो कहते हैं स्किप करना है तो वहाँ सिंबल बना होता है, ये आपको आपका फेवरेट है, कोई भी ऐड देखते नहीं तुरंत स्किप कर देते। फिर फॉरवर्ड करने का मतलब उस वीडियो को बढ़ाने का जो आपका सिंबल होता है इस प्रकार से होता है, तो दो ऐसे आपके एरो बने होते हैं और उसके बाद एक ब्रेक होता है कि मतलब इतनी तेज़ आप फॉरवर्ड करेंगे तो नेक्स्ट नहीं करना है, अगला वीडियो नहीं लगाना है। नेक्स्ट का सिर्फ एक सिंबल होता है, एक आपका एक एरो होता है, लेकिन यहाँ पे फॉरवर्ड करना है उसी वीडियो को आगे बढ़ा देंगे। इसके बाद आपका इक्वलाइजर जो होता है, ये क्या होता है कि आपके साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है उसको मैनिपुलेट करना, मतलब किस प्रकार से आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा चाहिए कौन सी कम। तो इसी प्रकार से साउंड में ही कुछ और सिंबल भी हम यूज़ करते हैं। आपका रिकॉर्ड का आपको पता होगा कि रिकॉर्डिंग जो वॉइस कट, जैसे आपके व्हाट्सएप पे ये सिंबल दिखता होगा तो ये रिकॉर्ड करने का है। फिर ये हेडफोन का होता है। फिर आपका टर्न अप मतलब वॉल्यूम जब आप करते हैं तो इस प्रकार से सिंबल दिखता है, और जब वॉल्यूम डाउन करते हैं तो इस प्रकार से सिंबल दिखता है। फिर म्यूट का ऐसे साउंड बॉक्स बना के क्रॉस कर देता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर में कुछ चीज़ें और यूज़ करते हैं, वो भी आईसीटी में आती हैं। तो प्रिंट का आपका जो होता है, प्रिंट किसी चीज़ को करना, तो प्रिंट का आपका सिंबल होता है इस प्रकार से कि कुछ चीज़ एक साइड ब्लैंक है दूसरी साइड प्रिंट होकर निकल रही है। फिर सेटअप सेटिंग का होता है, ये कोई चीज़ ये आपको पता है सेटिंग का सिंबल, उससे जूम इन किसी चीज़ को बड़ा करने का प्लस रहता है, जूम आउट मतलब किसी चीज़ को छोटा करना, तो जूम आउट का माइनस होता है, ठीक है। उसी प्रकार किसी चीज़ को कैंसिल करने का होता है, गोला बना के क्रॉस होता है, एक्सेप्ट करने का टिक होता है, डिलीट का एक आपका कचड़े का डिब्बा जैसा दिखता है, सेव करने का कोई ऐसे से फ्लॉपी डिस्क जैसे बनी रहती है, और नीचे डाउनलोडिंग का ऐसे बना होता है सिंबल। इसके अलावा क्लिक करने का एरो आपको पता है, और लॉक कोई चीज़ है प्रोटेक्टेड है तो वहाँ पर आपको एक ताला दिखेगा, लॉगिन के समय भी आपको ये दिखता है। फिर किसी चीज़ को ओपन करना तो ऐसे खुला हुआ अटैच ही दिखता है आपको, ठीक है। सर्च करने का तो उस अटैची में आप कुछ दूरबीन लेके खोज रहे होते हैं, और रिफ्रेश करने का आपको पता है उस अटैची को फिर से साफ साफ सुथरा करना, फिर से रिफ्रेश कर देना, तो उसमें एक ऐसे दो एरो एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। फिर किसी चीज़ को क्रिएट करना, तो एक डॉक्यूमेंट है उस पर प्लस का बटन होता है और उसका मतलब होता है क्रिएट करना, ठीक है। और इसके अलावा भी हम यूज़ करते हैं कॉपी, तो दो एक जैसे आपके डॉक्यूमेंट होते हैं और इसका मतलब होता है कि कॉपी करना, ठीक है। अंडो करना मतलब कोई चीज़ गलती से आपने कर दी उसको वापस आपको आना है, तो मुड़ा हुआ एरो आपको दिखता है। इसके अलावा प्रोटेक्टेड, जैसे कि FB प्रोफाइल पे आपके जो प्रोफाइल पिक्चर है उसे प्रोटेक्टेड का सिंबल आपको देखा होगा। एडिट करने का आपको पता है कि पेंसिल आपके हाथ में, कॉपी में कुछ भी लिखिए, कैंची कट होती है मतलब एक जगह से हटा के दूसरी जगह ले जाने के लिए कट करते हैं, और कॉपी जो करते हैं वो वहाँ भी रहती है दूसरी जगह भी जाती है। पेस्ट आपको पता है कि एक ऐसे चिपका हुआ कुछ दिखाई देगा आपको, कि जैसे आप एग्ज़ाम देने एक बोर्ड लेके जाते हैं ना, तो उसमें आप डॉक्यूमेंट पेस्ट कर देते हैं या कोई फ़ोटो पेस्ट करना हो कहीं पे, तो किसी चीज़ को चिपकाया हुआ दिखाया, ठीक है। इसके अलावा जो आप यूज़ करते हैं, तो ईमेल का, वैसे तो जीमेल का M होता है, लेकिन ईमेल का आपका सिंबल होता है @, ब्लूटूथ का आप जानते ही हैं। अटैच करना मतलब एक जलेबी बनी होती है किसी चीज़ को, जीमेल पे आपको दिख जाएगा अटैच वाला, इसमें आप कुछ भी अटैच कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट और पिक्चर्स वीडियोस कुछ भी। लिंक करने का दो ऐसे आपके सिंबल हैं, वो लिंक दिखाई देगा कि इसकी लिंक है, आप यहाँ से अगर टच करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट में घुस जाएंगे। फिर चैट का आपने देखा हुआ, टैग करना, जैसे फेसबुक पर टैग करते हैं, एक आदमी है और उस पर 4-5 लोग जो है क्या 500 लोग टैग हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं मतलब वहाँ पे वो चीज़ है हमें बताना रहता कि आइडेंटिटी, इनकी आइडेंटिटी क्या है। वाईफाई का आपको पता ही है, सिंक आप एक कह रहे दूसरे से जुड़ा होता है, ये आपको आपने देखा होगा। क्लाउड का आपको पता ही, एक बादल बना हुआ, रिलोड का कोई चीज़ फिर से लोड करना, तो उसका भी सिंबल ऐसे घुमा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अपलोड का ऊपर की तरफ जाते हुए, डाउनलोड का नीचे की तरफ आते हुए, शेयर का एक है दो बढ़ जा रहा है मतलब शेयर हो रहा है, लाइक का आपको पता है, डिसलाइक का नीचे अंगूठा होता है, फेवरेट का आपका क्या होता है हर्ट बना होता है, बुकमार्क आपने ब्राउज़र में देखा होगा, ये
अब तो वहाँ होता है वीडियो कॉल, ये तो नहीं स्काइप का ये, जैसे वीडियो कॉल अलग अलग ऐप का अलग अलग होता है। फिर कॉल का आपको सिंबल पता ही है, प्लेन मोड आप जानते हैं कि फ़ोन ऑन रहेगा लेकिन स्विच ऑफ दिखाएगा, इसमें दोनों सिम आप ऑफ कर देते हैं क्या फ्लाइट में, ठीक है। फिर सेंड का आपने देखा टेलीग्राम का भी है, तो सेंड ऐसे आपका बनता है एक जहाज बना के आप क्या करते हैं उसको सेंड का सिंबल दिखाते हैं। इसके अलावा आपका पे का सिंबल होता है, ठीक है, ये आपके जब शॉपिंग आपके ऐप्स है उसमें होता है, बास्केट होता है, ट्वीट का आपने देखा है, पिन करना जैसे कि कोई कमेंट पिन कर देना या व्हाट्सएप पे कोई चैट पिन कर देना तो ऊपर ही दिखाई देता है। फिर पासवर्ड का आपको चाबी है, लॉगिन का अंदर जाते हुए, लॉग आउट का बाहर जाते हुए, लोकेशन का आपको पता ही, नोटिफिकेशन जो कहते हैं घंटी बजाओ तो मतलब बेल आइकन को प्रेस करें, तो बेल आइकन वो क्यों होता है कि आपको नोटिफिकेशन जाती रहती है। अलार्म का आपने देखा ही हुआ घड़ी बना हुआ, बस का आपका सिंबल है, और ब्राउज़र का अलग अलग ब्राउज़र के अलग अलग सिंबल। तो ये आपके कुछ प्रमुख आईसीटी के ऐसे शब्द हैं और उसके संकेत हैं जो आपको जानना परम आवश्यक है, इसको यूज़ करके आप आईसीटी ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं।